हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का मैथ्स। यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है सेट्स यानी कि समुच्चय। इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में सबसेट के बारे में जाना यानी कि उप समुच्चय के बारे में जाना, और आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर के सबसेट क्या क्या होते हैं, रियल नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और बेसिकली आप रियल नंबर के सबसेट को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं रियल नंबर को आप किसी रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दो नंबर के बीच ही इनफाइनाइट नंबर होते हैं और उन नंबर को कभी भी आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। इसलिए इसको हम इंटरवल से दर्शाते हैं, इसके सबसेट को हम इंटरवल से दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने सबसेट के बारे में बात की थी, उपसमुच्चय के बारे में बात की थी। तो क्या होता है सबसेट? अ पार्ट ऑफ सेट। सेट का ही एक ही पार्ट होता है, इसको ही सबसेट कहा जाता है। यहाँ पर हमने एक सेट ए लिया और दूसरा सेट बी लिया। सेट ए में एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5 तक है और सेट बी में 1, 2 और 3 एलिमेंट। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, सेट बी क्या है? एक पार्ट है किसका? ए का, क्योंकि सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं वो ए के एलिमेंट ही है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है इस सिंबल से, इस तरह से। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पर एक दूसरा सेट लिया सी, जिसमें 1 से लेके 5 तक एलिमेंट है, और डी एक इसके इसी में दूसरा मैंने एक सेट ले लिया 1, 2 और 6। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि जो डी सेट है वो छोटा सेट है। ठीक है ना, उसका सब पार्ट है, और डी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो कि सी में था ही नहीं। तो यहाँ पर जो डी है वो सबसेट नहीं होगा सी का। डी में यदि सी के सारे एलिमेंट भी आते तो वो सबसेट होता, यहाँ पर ये इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, अब सबसेट को आप किस तरह से दिखा सकते हैं? देखिए, इसके अलावा यदि मैंने यहाँ पर एक सेट ए लिया है जिसमें एलिमेंट है 1, 2 और 1 कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर 3 और 4 एलिमेंट है। मैं क्या कहती हूँ, जब हमने प्रीवियस में इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वहां पर हमने क्या पढ़ा कि 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए का एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ सेट। तो इसमें हमने क्या कहा था कि 1 बिलोंग्स टू ए, 1 किसको बिलोंग करता है? सेट ए को बिलोंग करता है। और यदि इसी बात को मैं, इसी 1 को मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख करके इस तरह से लिखूं, तो 1 अब आपका बिलोंग नहीं करेगा, 1 इसका सबसेट हो जाएगा। सही बात समझ में? ऐसे ही 2 यहाँ पर बिलोंग्स टू ए, सेट 2 जो एलिमेंट है वो सेट ए का एलिमेंट है। लेकिन यदि इसी बात को आप 2 को आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखें तो 2 क्या हो जाएगा? ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो एलिमेंट और सबसेट में ये डिफरेंस यहाँ पर आप देख लीजिए। एलिमेंट उसके अंदर जो रखा हुआ है, और रखी हुई चीज को यदि आप इस तरह से ब्रैकेट के अंदर रख रहे हैं तो वो उसका सबसेट बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बच्चे क्या कहेंगे, 3 और 4 क्या है? इसका सबसेट है, ये सबसेट नहीं है, ये इस सेट के अंदर रखा हुआ एक एलिमेंट है। अभी यदि आप इसी सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर देखिए, ये पहले से ब्रैकेट के अंदर था, हमने फिर से इसको एक ब्रैकेट के अंदर रखा, तब जाके ये ए का सबसेट होगा। तो जो चीज सेट के अंदर रखी हुई है, चाहे वो ब्रैकेट के अंदर है चाहे वो बाहर है, कॉमा से उसको सेपरेट किया गया है, तो वो उस सेट का एलिमेंट है, ना कि सबसेट है। लेकिन एलिमेंट्स को ही जब आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो इसका सबसेट हो जाता है। तो जब ये सिर्फ इतना ही था, 3, 4 ये बिलोंग्स टू ए था, ये सबसेट नहीं था, लेकिन मैंने इस बात को कर्ली ब्रैकेट के अंदर दोबारा से लगाया क्योंकि पहले से ही उसके अंदर रखा हुआ है एलिमेंट, तो वो एलिमेंट है। इस बात में कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझना है। इसके बाद 3, 4 देखिए, ये क्या है? ये आपका एलिमेंट है, ये बिलोंग करता है ए को, और जब इसी को आप फिर से ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं तो ये सबसेट हो जाता है ए का। ऐसे ही 5, और सबसेट कैसे कैसे बनता है, देखिए सबसेट कैसे कैसे बनता है। आप सारे एलिमेंट को सेपरेट करके ब्रैकेट्स के अंदर रख सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, और वो इसका सबसेट हो जाएगा। इसके अलावा आप 2 एलिमेंट को कंबाइंड रूप में रख सकते हैं, 3 एलिमेंट को कंबाइंड रूप में लिख सकते हैं, और 4 ही जितने भी उसमें एलिमेंट है सारे एलिमेंट को आप फिर से एक बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स आपको लिखाए थे सबसेट के बारे में कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक सेट खुद का क्या हो जाता है? सबसेट होता है। यानी कि अगर ए में 3 एलिमेंट है तो वो खुद का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा।
ठीक है, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये बात हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा था कि फाई जो है हर सेट का सबसेट है। जब आप सबसेट को काउंट करेंगे तो कोई भी आपके पास सेट है तो आप फाई को उसको जरूर ले लेंगे वहां। अब इसमें भी देखिए, इसके बाद थर्ड यहाँ पर पॉइंट हमने क्या लिखा था, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी क्या है ए का सबसेट है, एंड एंड बी डज नॉट इक्वल टू ए, और बी ए का इक्वल नहीं है, ठीक है ना। सबसेट में हम क्या कहते हैं, यदि मैं इतनी सी बात कहूं कि बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो ऐसा भी हो सकता है कि बी में जितने एलिमेंट हैं ए में भी उतने ही एलिमेंट हैं। यानी कि सबसेट को आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं जब आपके पास ये कंडीशन ना हो, डज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर यदि ऐसा ना लिखा गया हो कि ए डज नॉट इक्वल टू बी, तो आप ऐसा भी इसको दिखा सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब आपको सिर्फ और सिर्फ सबसेट कहा जाता है, और यहाँ पर हमने क्या बात कही कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। जब इतनी सी बात लिखी जाए तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सेट ए सेट बी के इक्वल है। यदि यहाँ पर कंडीशन दिया जाए कि बी डज नॉट इक्वल टू ए या ए डज नॉट इक्वल टू बी, तब जाके हम इस साइन को हटाएंगे क्योंकि यहाँ पे वो इक्वल नहीं है। तो यदि सिर्फ यही कहा जाए कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो वो इक्वल भी हो सकता है। पॉइंट हमने क्या लिखा कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। तो ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर कंडीशन क्या है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी क्या है ए का सबसेट है, ठीक है। अब बी डज नॉट इक्वल टू ए, यदि ऐसी कंडीशन आपको दी जाए तो जो ये सेट है ना, ये जो आपका B है ना, क्योंकि इस केस में आपका ये B A के इक्वल नहीं है, तो ये प्रॉपर सबसेट है। इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। इस तरह की कंडीशन हो कि वो उसके इक्वल ना हो जिसका वो सबसेट है, तो वो प्रॉपर सबसेट होगा। और इस केस में जो आपके पास सेट जिसका वो सबसेट है, वो आपका सुपर सेट हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो आपका ए है वो आपका सुपर सेट हो जाएगा, और जो बी है वो आपका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ए आपके पास कोई सेट है, 1 2 3 4 इसमें एलिमेंट है, बी आपका ए 1 2 3 इसमें एलिमेंट है, इस तरह से, और बी इज अ सबसेट ऑफ ए, और यहाँ पर बी क्योंकि उस ए से छोटा सेट है, उसके इक्वल नहीं है, इसलिए बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए और ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी। तो इतनी बात हमने प्रीवियस लेक्चर में समझ ली थी, ठीक है। चौथा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि यदि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो आपके पास ए बराबर बी होगा। यदि दोनों ही सेट उसके सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो आपको आगे की हायर क्लासेस में भी इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं, तो वहां पर आपको इसको लेके चलना है, इसको समझना है, तब जाके आप इसको स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। इसके बाद पांचवा हमने पॉइंट क्या लिखा था, इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी क्या है ए का सबसेट है, और एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स कोई एलिमेंट है जो बी में बिलोंग करता है, तो दैट इंप्लाइज, इसका मतलब ये हुआ कि वो ए में भी बिलोंग करेगा। अब मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया, ए में आपके पास एक्स वाई जेड और डब्ल्यू एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है, और बी में क्या है एक्स वाई और जेड, इसका मतलब क्या है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। एक एलिमेंट की मैंने बात की जो मैंने बी से उठाया, तो बी क्योंकि एक्स क्योंकि एक्स से उठाया, बी से उठाया एक एलिमेंट एक्स, एक्स क्योंकि बी में बिलोंग करता था, तो ये जो एक्स होगा ये ए में ऑब्वियसली बात है उसमें भी बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इस बात को, इसके बाद छठो पॉइंट मैंने क्या लिखा था कि फाई को आप इस तरह से लिखते हैं, कभी भी आप फाई को ऐसा नहीं लिखते हैं, फाई आपका अकेला होता है, उसको ब्रैकेट के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। यदि आप ऐसा लिख रहे हैं तो फाई को दूसरा डिनोट करने का जो सिंबल है वो इस तरह से है, बस आप खाली ब्रैकेट्स बना लें, या फिर इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। दोनों इसके सिंबल हैं एम्प्टी सेट के, ये क्या है एम्प्टी सेट के दोनों ही सिंबल हैं, ठीक है। तो ऐसा आप कभी भी नहीं लिखेंगे, इस फाई को आप ब्रैकेट के अंदर बंद नहीं करेंगे, ठीक है। फाई आपका ए का एलिमेंट कब होगा, जब उसके अंदर कोई पर्टिकुलर सेट में दिया गया हो, ठीक है ना। फाई को आप बिलोंग्स टू ए नहीं लिख सकते हैं जब तक वो दिया ना गया हो उस सेट के अंदर। तो फाई सबसेट तो है लेकिन बिलोंग नहीं करता है, ओके। तो ये बात है। इसके बाद चलिए अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर, हम पढ़ेंगे रियल नंबर। तो देखिए आप जानते हैं रियल नंबर का जो सेट है, यानी कि जो रियल नंबर है,
रियल नंबर को आप बेसिकली दो नंबर में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है, यानी कि दो भागों में इसको विभाजित किया गया है। पहला आपके पास रैशनल नंबर आता है और दूसरा इरेशनल नंबर, ठीक है। ये नंबर आप पढ़ चुके हैं, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर आपने 9th और 10th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। तो ये आया आपका रियल नंबर का एक फ्लो चार्ट। रियल नंबर में देखिए आपके पास रियल नंबर को आप R से डिनोट करते हैं और रैशनल नंबर को आप Q से डिनोट करते हैं। अब देखिए ये सबसे बड़ा सेट है रियल, इस सेट के दो सबसेट हैं, इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। इसके दो सबसेट है, दो पार्ट है इसके, रैशनल नंबर और इरेशनल, ठीक है। तो यहां से इसके बाद आप जानते हैं कि आप रैशनल नंबर को भी दो भागों में, दो पार्ट्स में इसको विभाजित करते हैं। एक नॉन इंटीजर होता है, नॉन इंटीजर रैशनल नंबर को आप क्या बोलते हैं, डेसिमल वाले नंबर। तो नॉन इंटीजर रैशनल नंबर होता है, इसके बाद आपके पास इंटीजर आता है, इंटीजर को आप जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर में भी आपके पास नेगेटिव नंबर होते हैं और होल नंबर होते हैं। इंटीजर में आपके पास वो सारे नेगेटिव और पॉजिटिव और जीरो नंबर आता है, और इसके बाद इसमें भी आपके नेगेटिव इंटीजर आते हैं जिनको आप नेगेटिव नंबर कहते हैं। होल नंबर में आपके पास क्या क्या आ जाता है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इंटीजर में आपके पास क्या आ जाता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इस तरह से आपके नंबर आ जाते हैं, ठीक है। अब आप नेगेटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, -3, -2, -1। इस तरह से नंबर आपके आ जाते हैं नेगेटिव इंटीजर में। होल नंबर में आपका जीरो इंक्लूड होता है और यहाँ पर भी आपके पास 1, 2, 3 ये जो भी पॉजिटिव नंबर है ये सारे आपके इस होल नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसके बाद देखिए जीरो को जब आप अलग कर देते हैं होल नंबर की कैटेगरी से, जीरो को आप जब सेपरेट कर देते हैं, यहाँ से यदि आपने जीरो निकाल दिया तो आपके पास क्या बचा, आपके पास नेचुरल नंबर बचेगा, और नेचुरल नंबर यहाँ पर आपका 1, 2, 3 और इस तरह से आपके पास नंबर आते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए आपने क्या करना है, रियल नंबर के सेट का सबसेट आपको बताना है। तो आप देख पा रहे हैं, देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने क्या कहा, आपके पास एक बड़ा सेट है, उस बड़े सेट से ही आप क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट्स निकाल लेते हैं तो वो उसका सबसेट हो जाता है। अभी तक हमने क्या कहा था कि मेरे पास एक सेट है, छोटी सी बात हमने पढ़ी, और 1, 2, 3, 4 ये चार मेरे पास यहाँ पर नंबर हैं, और बी मेरे पास कोई दूसरा सेट है, मैंने क्या किया इनमें से ही दो एलिमेंट निकाल लिया और इसका सबसेट बना लिया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं बड़े नंबर की, रियल नंबर। तो रियल नंबर को पहली बात आप कभी भी उसका रोस्टर फॉर्म नहीं लिख सकते, आप उसको क्या करेंगे, इंटरवल में आप इसको डिवाइड करेंगे, इंटरवल से इसको बताएंगे, ठीक है। तो पहले तो हम इस बात को जान लेते हैं कि रियल नंबर का जो सेट है सबसे बड़ा आपके पास रियल नंबर है, इसके बाद आपके पास क्यू है यानी कि रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर भी आता है तो इसको हम नहीं पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद देखिए आपका नॉन इंटीजर ये भी नहीं है, इसके बाद आप इंटीजर की बात करेंगे, नेगेटिव इंटीजर होगी आपके, इसको आप जेड नेगेटिव से डिनोट कर सकते हैं, और इसको आप पॉजिटिव यहाँ पर क्या आ जाते हैं, इसके अलावा जो होल नंबर है होल नंबर को भी आप पॉजिटिव, इसमें आपके पास बेसिकली आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर को आप इंटीजर्स को आप इस तरह से कर तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो आपके पास नेगेटिव इंटीजर होता है, नेगेटिव इंटीजर, इसके बाद आपके पास जीरो होता है, और यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। नेगेटिव इंटीजर को आप जेड माइनस से, इंटीजर को तो आप जेड से डिनोट करते हैं, नेगेटिव इंटीजर को आप जेड माइनस से और पॉजिटिव इंटीजर को आप जेड प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये इतनी सी बात है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको इस तरह से दिया गया है कि होल नंबर है, ठीक है। अब हम सबसेट की बात करेंगे, देखिए जो रियल नंबर है वो बहुत बड़ा पार्ट है, यानी कि रियल नंबर
बहुत बड़ा पार्ट्स है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं बच्चों कि जो ये नेचुरल नंबर है वो किसका सेट है, वो होल नंबर का सेट है, क्योंकि नेचुरल होल नंबर से हमने क्या किए, 1 2 3 4 कुछ एलिमेंट उठाए, कुछ नंबर उठाए और हमने क्या बना दिया, नेचुरल नंबर बना दिया। यानी यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि एन इज द सबसेट ऑफ डब्ल्यू, यानी कि नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है। ठीक है, नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है। फिर ये जो होल नंबर है ये किससे मिलके बना है, ये इंटीजर से आया है, यहीं से तो उठाए हमने इस इंटीजर से, यहां से आगे के नंबर को हम क्या कह रहे हैं, ये आपके होल नंबर है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि जो ये होल नंबर है वो सबसेट है किसका, जेड का, यानी कि इंटीजर का। और जो ये इंटीजर है ये किसका सबसेट है, ये इंटीजर किसका सबसेट हो जाएगा, इंटीजर यहां पर किसका सबसेट है, सबसेट ऑफ रैशनल नंबर का, ये सेट सबसेट है, क्यू से इसको डिनोट किया जाता है। और रैशनल नंबर किसका सबसेट है, ये है सबसेट आर का। इतनी सी बात यदि आप जान गए, इसको आपने देख लिया, सबसेट को आप कैसे रियल नंबर के सेट्स को आप सबसेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर सबसेट है किसका, W का, यानी कि होल नंबर का, होल नंबर सबसेट है किसका, Z का, यानी इंटीजर का, और इंटीजर आपका सबसेट है किसका, रैशनल नंबर का, यानी कि Q का, और रैशनल नंबर भी आपका सबसेट है किसका, R का, यानी कि रैशनल नंबर, रियल नंबर का। तो ये आपका क्या है, सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब आप जानते हैं कि आप सबसेट जो आपके रियल नंबर हैं उसको आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो इसको हम इंटरवल में लिखेंगे। तो चलिए यहां पर रियल इंटरवल हेडिंग डालेंगे, रियल इंटर। ठीक है, अब रियल इंटरवल क्यों पढ़ रहे हैं, टू रिप्रेजेंट द सबसेट ऑफ रियल नंबर, क्यों पढ़ रहे हैं, टू रिप्रेजेंट ऑफ सबसेट ऑफ टू रिप्रेजेंट सबसेट ऑफ रियल। क्यों हम रियल इंटरवल को पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप देखिए आप रियल नंबर को कैसे लिखते हैं, माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी। अब मैं यहां पर एक इंटरवल की बात करूं, 2 और 5, ठीक है ना, मैंने यहां पर एक इंटरवल की बात की 2 और 5। आप 1 और 2 की बात कीजिए, 2 और 5 को छोड़िए, 1 और 2 की बात कीजिए। आपने क्लास 9 से पढ़ा था, दो नंबर के बीच इतने नंबर होते हैं कि आप उनको काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट नंबर होते हैं इन दो नंबर के बीच में। ठीक है, यानी कि आप कभी भी इनका रोस्टर फॉर्म नहीं लिख पाएंगे, आप कभी भी इनका रोस्टर फॉर्म नहीं लिख पाएंगे, रियल नंबर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो रोस्टर फॉर्म नहीं लिख पाएंगे, तो इसके लिए हम इसको इंटरवल में पढ़ रहे हैं, इंटरवल में हम इसको पढ़ेंगे। तो देखिए आपके पास इस तरह से एक कोई सेट है, क्या सेट है, x सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन और इक्वल टू 5, एंड जो x है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये तो इसका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। ये है इसका सेट बिल्डर फॉर्म, किसका, इस रियल नंबर का। यहां पर x कहां से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर, और रियल नंबर की तो कोई सीमा ही नहीं है, तो x को आप कभी भी रोस्टर फॉर्म में तो नहीं लिख पाएंगे, टेबलर फॉर्म में तो नहीं लिख पाएंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यहां पर इंटरवल की बात करते हैं। तो इंटरवल में देखिए,
एक लाइन आप इस तरह से लेंगे यहाँ पर, और ये आपका माइनस इंफिनिटी है, ये आपका क्या है प्लस इंफिनिटी है। तो x कहां से कहां से है, x आपका 2 से बड़ा है, लेट सपोज ये आपका 2 है, और 5 से आपका छोटा है, और इक्वल भी है क्योंकि इक्वल टू का भी यहाँ पर साइन आया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसको आप कैसे लिखेंगे, x आपका 2 या 2 से बड़ा है और 5 या 5 से छोटा है, तो इसको आप इस तरह से दिखाएंगे। जब भी आपके पास ये साइन हो और ये साइन, तो आप यहां पर क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। इस क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है कि यहां पर आपका 2 भी इंक्लूड है, यहां पर आपका 2 भी इंक्लूड है, और जब भी ऐसा आपको साइन दिखे लेस देन और इक्वल टू, तो यहां पर भी आप क्या लगा देंगे, यहां पर आप लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, तो इस तरह से दिखाया जाता है ग्राफ में रियल नंबर के सबसेट। ठीक है ना, ये 2 से लेके इंटरवल में हम इसको दिखाते हैं, 2 से लेके 5 तक हम यहाँ पर इस इंटरवल में दिखा रहे हैं, ये रियल नंबर का ही एक सबसेट है। 2 और 5 के बीच जितने भी नंबर आएंगे वो सारे रियल नंबर का ही वो क्या होगा, एक सबसेट होगा। तो हम यहाँ पर रियल नंबर इंटरवल पढ़ रहे हैं, तो रिप्रेजेंट द सबसेट ऑफ रियल नंबर, क्या रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरवल में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सबसेट को आप क्या रियल नंबर को आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो इंटरवल के फॉर्म में इसको आप लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद बी यहां पर मैं लिखूं, ये तो ए लिखा मैंने, अब बी लिखा, बी में यहां पर क्या लिख रही हूं, देखिए आपके पास यहां पर एक दूसरा सेट में लिख रही हूं, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, और वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, एक्स रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। इस बात को भी आप इंटरवल में कैसे दिखाएंगे, ये आपके पास क्या है नंबर लाइन है, और इंटरवल देखिए यहां से 2 से और यहां पर मैं 5 लिख रही हूं, एक्स आपका 2 से बड़ा है, तो 2 को आपने जब इस तरह का साइन हो 2 को आपने इंक्लूड नहीं करना, 2 को आपने इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ओनली x इज ग्रेटर देन 2, x 2 से बड़ा है, तो यहाँ पर आप इस तरह से छेद बना देंगे गोल। ठीक है, अब यहाँ पर x इज लेस देन और इक्वल टू 5, x क्या है 5 से छोटा भी है और 5 के इक्वल भी है, तो इसको तो आप इंक्लूड कर देंगे, यहां से आप इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, यहां पर साइन है आपका लेस देन और इक्वल। ठीक है, अब 2 यहां पर देखिए, 2 क्योंकि यहां पर इंक्लूड नहीं था, जब इंक्लूड था तो हमने यहां पर क्लोज ब्रैकेट लगाया, क्या लगाया क्लोज ब्रैकेट, ये आपका क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है, जब आपके पास इंक्लूड नहीं होता है यानी कि एक्सक्लूड है, आपको 2 को इंक्लूड नहीं करना है, तो फिर आप क्या करेंगे 2, और यहां पर आपका कौन सा ब्रैकेट लगेगा, ओपन ब्रैकेट, ठीक है, कॉमा 5, क्योंकि आपका इंक्लूड है तो यहां पर आप लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर मैं सी किसी तीसरे सेट की बात करूं, और इसी सेट के बारे में हम बात करेंगे यहां पर भी, तो देखिए x सच दैट x जो है वो 2 से ग्रेटर देन और इक्वल टू है और 5 से छोटा है। बस अब आप समझ गए होंगे x बिलोंग्स टू R, x कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग। अब मैंने यहां पर क्या किया, 2 x जो है वो 2 से बड़ा है, अब इस आपको पता है ये जो साइन है ये किसका है, ये क्लोज ब्रैकेट का है और ये आपका ओपन ब्रैकेट का है, तो यहां से आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, यहां पर मैं इसको इस तरह से नंबर लाइन में इंटरवल में इसको दर्शाऊंगी, देखिए ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 5, अब यहां पर कौन सा साइन है, ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है, यानी कि इसको तो आप इंक्लूड करेंगे, ये आपका डार्क हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि ये 5 को आप एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो इस तरह से आप छेद बना लेंगे। ठीक है, और
यहां से यहां तक के नंबर को हम यहां पर दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका ब्रैकेट है वो किस तरह से लगेगा, तो ब्रैकेट्स आप लगाएंगे यहां पर, इधर लगेगा आपका क्लोज ब्रैकेट कॉमा, तो ब्रैकेट आप लगाएंगे यहां पर क्लोज ब्रैकेट कॉमा 5, और इधर आपका ओपन ब्रैकेट। उसके बाद एक और यहां पर है डी, डी मैंने यहां पर कोई चौथा आपका सेट ले लिया है, और इस तरह का वो सेट है एक्स सच दैट, टू ही मैं इंटरवल लूंगी 2 से 5 के बीच में, एक्स इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 5, एक्स 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है, ठीक है। और एक्स कहाँ बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर इंटरवल की बात कीजिए, अब यहां पर है ग्रेटर देन और लेस देन का साइन, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन, तो आप क्या करेंगे, इसको भी एक्सक्लूड कर देंगे, इसको इंक्लूड नहीं करना है आप, जब इक्वल टू का साइन आए तब आप इसको इंक्लूड कीजिए, ये भी आपका एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। यहां से यहां तक के बीच की हम बात कर रहे हैं 2 से लेके 5, एक्स क्या है 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो आप इंटरवल किस तरह से लिखेंगे, यहां पर ओपन क्योंकि एक्सक्लूड है तो ओपन इंटरवल 2, तो इससे हमने क्या यहाँ पर कंक्लूजन निकाला, देखिए हम क्या क्या बात कर रहे हैं, रियल इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो जब हमने यहाँ पर, मैं यहाँ बात कर रही हूँ किसी दूसरे इंटरवल की बात करूंगी 3, 5, इस तरह से आपको दिया गया हो तो आप इसको रास्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट, अब 3 से देखिए क्योंकि क्लोज इंटरवल है तो आपके पास क्या आ जाएगा कि जो आपका एक्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 5 आ जाएगा, वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आपके पास कोई भी इंटरवल आपको इस तरह से दिया जाए तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद यदि आपके पास यहाँ क्लोज इंटरवल है और यहाँ पर आपका ओपन इंटरवल है, इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए एक्स सच दैट, यहां से देखिए क्लोज लगा है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, और यहाँ ओपन है तो ओनली लेस देन 5, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। यदि आपके पास इस तरह से कोई क्या दिया गया हो, इंटरवल दिया गया हो, तो आप इसके सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते। इसके बाद में बात करूं किसकी, ये हो गया 3, यहाँ आपका ओपन हो जाए और 5 यहाँ पर आपका क्या हो जाए क्लोज, इसको भी आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स सच दैट 3 इज, अब यहाँ पर क्योंकि ओपन इंटरवल है तो ओनली ग्रेटर देन का साइन आएगा, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 5, यहाँ क्लोज इंटरवल है तो दोनों साइन लगेंगे, और एक्स किसको बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग करता है किसको, रियल नंबर को, ठीक है। और लास्ट यहाँ पर जाएगा 3, 5, और दोनों में ओपन इंटरवल है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट 3 इज, एक्स इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 5, और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इंटरवल आपको दिया जाएगा, आपको इस तरह से उसको किसमें, ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने रियल नंबर के सबसेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रियल इंटरवल में, इंटरवल का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, और नेक्स्ट क्लास में हम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।